पश्चिम अच्छा तो मुझे एक ब्रेक मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज दिखानी थी, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से कमेंट लेता हूं। यशवंत जी फिर तो ये बीजेपी को सूट करेगा अगर जो बात अभिषेक कह रहे हैं, अगर टीएमसी को नुकसान होगा, AIIMIM को वहां पर फायदा होगा, तब तो ये बीजेपी को बहुत सूट करेगा पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, ये अभिषेक का आकलन बिल्कुल सही है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके के कैंपेन की आप उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा इंटेंस कैंपेन होगा, वो हर तरीके से बात लागू होगी। और जिस जगह पे बहस शुरुआत हुई थी, मैं केवल एक जगह पे आपके साइन ऑफ करने से पहले कहना चाहूंगा कि देखिए, बाकी बहस एक तरफ है, रिजल्ट्स और बीजेपी का आना नहीं आना, AIIMIM का टिके रहना, ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे लिए चुनाव विश्लेषक की हैसियत से दरअसल मैं आज बहुत केवल इस बात पे खुश हूं कि कम से कम ईवीएम की डिबेट एक कोने लगी। अब कम से कम इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस या कोई भी पार्टी जो ये बोले कि मैं तो टेस्ट मैच खेलता हूं साहब और टेस्ट मैच वाले फॉर्मेट पे जीत सकता था, लेकिन आप वनडे खेल रहे हैं, दीजिए साहब आप टेस्ट मैच वाले फॉर्मेट पे भी उसी तरीके से हारे जिस तरीके से आप T20 में भी हारे थे और जिस तरीके से आप वनडे में भी हारे। अगर आपकी हार दिखी है तो फाइटिंग स्पिरिट भी नहीं दिख रही आपकी, आप केवल यहाँ पर बेबी क्राई कर रहे हैं, आपका फाइटिंग स्पिरिट भी नहीं दिख रही है। मैं आता हूँ सर, एक बड़ी खबर बताऊं फिर आता हूँ आपके पास। TRS से इनायत अली हमारे साथ है, उनसे बहुत देर से बात नहीं हुई है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।